ऐसे स्कैम में बहुत सारे कंसल्टेंट फंस जाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को जेल होती है, इवन स्टूडेंट्स को भी जेल होती है। आपने अगर कोई भी बैकडेट डिग्री ली है, कोई भी शॉर्टकट तरीके से डिग्री ली है, कंसल्टेंट ने दिलाई है, तो कंसल्टेंट की गलती तो है ही, पर उससे ज्यादा गलती आपकी है क्योंकि आपने वो बैकडेट डिग्री ले ली। सबसे पहले कंसल्टेंट्स को कॉन्टेक्ट करती है, और आजकल तो इनका नया तरीका हो गया है कि कंसल्टेंट्स को बोलते हैं कि हम आपको अपना ऑथराइज सेंटर बनाएंगे। दोस्तों आज तक हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, 100 से भी ज्यादा ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको अवेयर किया है किसी भी तरह की बैकडेट डिग्री लेने पर, आपको अवेयर किया है किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटीज के बारे में जो यूनिवर्सिटी स्कैम करती है, फर्जी तरह से डिग्रियां बांटती हैं और आपकी फीस लेने के बावजूद भी आपकी डिग्री को देने के बाद वेरीफाई तक नहीं करते हैं। ऐसे स्कैम में बहुत सारे कंसल्टेंट फंस जाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को जेल होती है, इवन स्टूडेंट्स को भी जेल होती है, और मैं आपको हमेशा अवेयर करता रहता हूं ऐसी चीजों के बारे में। मैं आपको आज अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सी वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आपको एडमिशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, किन सावधानियों को बरतना चाहिए, बैकडेट डिग्री अगर आपने ले ली है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप सावधान रहेंगे, और अगर आप इंस्टीट्यूट हैं, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है ऐसी कि आपने किसी यूनिवर्सिटी से काम किया और अब वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर रही है तो भी उसका क्या सॉल्यूशन है, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप अपने आप को जानकार बना सके इन फ्रॉड यूनिवर्सिटियों से। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दलाली करती हैं और गलत तरीके से पैसा ठग लेती है स्टूडेंट्स का और कंसल्टेंट्स का, उन सब के बारे में आपको अवेयर करेंगे आज अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटीज से सावधान रहने के लिए हमारे चैनल से कनेक्ट रहें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है और आपको जानकार बनाती है। दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझिए, आपने अगर कोई भी बैकडेट डिग्री ली है, कोई भी शॉर्टकट तरीके से डिग्री ली है, कंसल्टेंट ने दिलाई है, तो कंसल्टेंट की गलती तो है ही, पर उससे ज्यादा गलती आपकी है क्योंकि आपने वो बैकडेट डिग्री ले ली। वो बैकडेट डिग्री किसी भी काम नहीं आएगी, खोटे सिक्के की तरह है ये, मार्केट में चलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी जेब का वजन ही बढ़ाएगा। या फिर मान लीजिए ऐसा मरा हुआ सांप आपने गले में डाल लिया है कि जब तक घूमते रहेंगे डरते ही रहेंगे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, और आपके साथ प्रॉब्लम्स होती रहेगी। ये जो फर्जी यूनिवर्सिटियां हैं, घटिया यूनिवर्सिटियां, थर्ड क्लास जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो ये चोर लोग जो यूनिवर्सिटीज खोलकर बैठे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ना लें, मेरी पर्सनली सलाह है। इतने सारे स्टूडेंट्स डेली हमें मार्कशीट शेयर करते हैं, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर इस तरह की मार्कशीट ली है, मार्कशीट को शेयर करें और हो सकता है उसमें आपकी हम कोई मदद कर सके, आपको बता सके यूनिवर्सिटी फर्जी है या फर्जीवाड़े में है, और आप अगर कंसल्टेंट हैं तो भी आप हमारी एडवाइस जरूर लें, हो सकता है आपकी मुसीबत से हम आपको बाहर निकाल सके। ये यूनिवर्सिटीज दोस्तों ठगी करती कैसे हैं, तीन तरीके हैं इनके ठगी करने के जिसमें आप अक्सर फंस जाते हो, तीनों को बताऊंगा वन बाय वन। सबसे पहली बात दोस्तों, ये कोई भी यूनिवर्सिटीज जो ये ठगी करने के लिए आती है, स्कैम करने के लिए आती है, डिग्रियां बेचना शुरू करती है, वो क्या करती है, सबसे पहले कंसल्टेंट्स को कॉन्टेक्ट करती है। और आजकल तो इनका नया तरीका हो गया है कि कंसल्टेंट्स को बोलते हैं कि हम आपको अपना ऑथराइज सेंटर बनाएंगे। दोस्तों कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना ऑफ कैंपस सेंटर खोल ही नहीं सकती। एक जजमेंट आया था प्रोफेसर यशपाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का, जिसके अंदर की बताया गया, 2005 का जजमेंट है, आप पढ़ लेना इसको, जिसमें बताया गया कि कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना ऑफ कैंपस सेंटर ही नहीं बना सकती। तो ये यूनिवर्सिटी सेंटर बना कैसे रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप चूसने के लिए दे रही है कंसल्टेंट्स को कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है इस नाम पर कि आप हमारे कंसल्टेंट बने और बैकडेट की डिग्रियां आप लोग हमारी बेचें। क्योंकि यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट तो स्टूडेंट के पास नहीं पहुंच सकती, बट इन कंसल्टेंट्स के थ्रू जरूर पहुंच जाती है स्टूडेंट्स तक, और इसमें कंसल्टेंट भी अपना थोड़े से बेनिफिट के चक्कर में पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देता है स्टूडेंट की, और साथ में ही अपनी रेपुटेशन को भी दांव पे लगा देता है, और फिर पूरी जिंदगी वो स्टूडेंट की डिग्री के लिए दरबान बन के खड़ा रहता है कि हां मैं हिफाजत करूंगा, हां मैं आपकी डिग्री वेरीफाई करवाऊंगा, पर ये डिग्रियां वेरीफाई कभी होती ही नहीं। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहें तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं, और आप यूनिवर्सिटी से बहुत
दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर, क्यों ये डिग्रियों के मामले में आप फंस जाते हो, क्यों इन डिग्री के स्कैम में आप लोग फंस जाते हो। दोस्तों स्टूडेंट्स को डिग्री की जरूरत है, स्टूडेंट्स किसी भी प्राइवेट जॉब में लगाना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में लगाना चाहते हैं। कई लोगों को, कई लड़कियों को शादी के लिए जरूरत पड़ती है या फर्दर कोर्स आपको करना है, ऐसे कई तरह के आपके पास ऑप्शंस होते हैं जिंदगी में, और आप मजबूर भी होते हैं क्योंकि बिना डिग्री के आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो ऐसे में ही आप बैकडेट डिग्री खरीद लेते हैं। पर ये डिग्री किसी भी काम की नहीं, बार बार बोल रहा हूँ। और आपने अगर ये डिग्री ले ली है तो वेरीफाई इसको आज ही कराएं, आरटीए लगाएं। और अगर आरटीए लगाने में आपको कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, इसमें आप हमारी मदद ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम आपकी इसमें मदद जरूर कर देंगे। तो दोस्तों होता क्या है, जब आपको जरूरत है बैकडेट डिग्री लेने की, आप किसी भी कंसल्टेंट को कॉन्टेक्ट करते हैं, तो वो कंसल्टेंट जो जिस भी यूनिवर्सिटी से टाइप है या जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहा है, वो उसके लिए बोलता है कि इतना पैसा लगेगा और आपको डिग्री दिलवा देंगे। ना आप एग्जाम देते हो, ना आप यूनिवर्सिटी जाते हो, ना आपके पास एडमिट कार्ड है, ना आपने फीस यूनिवर्सिटी अकाउंट में दी है। इवन जो लोग डिग्रियां ले लेते हैं वो भी कभी यूनिवर्सिटी की शक्ल जाकर नहीं देखते, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और इसीलिए आप लोग फंसते हो। जब आपसे कभी भी कोई इंसान पूछता है आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, मैंने तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो हमें कॉल करते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी का नाम तक पूरा नहीं ले पाते। उनको यही नहीं पता यूनिवर्सिटी कहां पर है, कहां लोकेटेड है, यूनिवर्सिटी कैंपस दिखता कैसा है, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कौन है, रजिस्ट्रार कौन है, इवन जो एडमिशन ले रहा है एडमिशन हेड कौन है, उन्हें तो ये भी नहीं पता दोस्तों। तो आप कैसे मान लोगे जो डिग्री आपके पास आई है, जो यूनिवर्सिटी ने डिग्री आपको बेची है। यूनिवर्सिटियां तो जेब भर के निकल जाती है। हद से हद क्या होगा, यूनिवर्सिटी का वो जो कोर्स है वो यूजीसी बार कर देगी। यह हद से हद क्या होगा, यूनिवर्सिटी कुछ वक्त के लिए बंद हो जाएगी। पर यूनिवर्सिटियां पैसा भर के, जेबें भर के निकल जाती हैं। कंसल्टेंट को जेल जाना पड़ता है और स्टूडेंट्स को जेल जाना पड़ता है। तो दोस्तों इन बातों के बिल्कुल अवेयर रहें, सावधान रहें, गलतियां ना करें। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी मुसीबत की, तीसरी प्रॉब्लम, जो अक्सर ये प्रॉब्लम खुद आप अपने लिए कर लेते हो, अपने लिए गड्ढा खोद लेते हो। गड्ढा क्या खोद लेते हो, आपने बैकडेट डिग्री ले ली, किसी भी तरह से बैकडेट डिग्री आपके हाथ में आ गई, आप यूनिवर्सिटी की शक्ल तक नहीं देखते जाकर, उस डॉक्यूमेंट को अभी आप वेरीफाई करवाना चाहते ही नहीं हो, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराते नहीं हो, फिर आप डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर देते हो। अप्लाई फिर आप चाहे कहीं भी कर दो, आपने किसी जॉब में अप्लाई कर दिया, कोई फर्दर कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, कई स्टूडेंट्स ने होता है कि LLB कंप्लीट करने के बाद में बार काउंसिल में अप्लाई कर दिया, तो ऐसे में ये यूनिवर्सिटियां आपके डिग्री को डी वेरीफाई कर देती हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आज यूनिवर्सिटी ने जो टाइप किया, कॉन्टेक्ट किया किसी भी कंसल्टेंट से, तो वो यूनिवर्सिटी का स्टाफ था। जैसे ही वो स्टाफ गया तो उसका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटीज डिलीट मार देती हैं। और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज रिकॉर्ड भी दो तरह से रखती हैं, एक तो उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखती हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, और एक उनका रिकॉर्ड रखती है जो बैकडेट डिग्री ले रहे हैं। तो आपकी डिग्री की ऑथेंटिसिटी कैसे है, आपकी डिग्री कैसे ऑथेंटिक है, आप फंसोगे, जेल जाना पड़ेगा आपको, सावधान रहें, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के रखें। और मैं आपको पर्सनली हाथ जोड़कर बोलता हूं ये बात, पर्सनली रिक्वेस्ट करके बोलता हूं आपको सभी ये बात, आप सभी भाई बहनों को बोलता हूं, सभी दोस्तों को बोलता हूं, जो भी कोई जानकार है मेरे, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं बैकडेट डिग्री ना ले। अपना समय दे, एक दो तीन साल चार साल का अपना समय लगाएं, तरीके से यूनिवर्सिटी में जाएं, एग्जाम्स अटेंड करें, सारे डॉक्यूमेंट्स लें, बैकडेट डिग्री ना लें। दोस्तों ये बहुत बड़ा जंजाल है, इसमें आप अगर फंस गए बाहर नहीं निकल पाओगे, प्रॉब्लम आपके साथ बहुत ज्यादा होगी। मैंने बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को बर्बाद होते हुए देखा है, मुंह छुपाते हुए घूमते हैं और उनके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं होता। तो मेरा मानना है कि जो मैंने आज आपको समझाया आपको समझ आया होगा, समझ आया हो आज के पूरे वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।